कल सुबह 8:15 बजे से मोती डूंगरी गणेश मंदिर से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है गणेश पूजन का गंगा पोल गेट पे, वो 9:30 बजे होगा। उसके बाद कथक का कार्यक्रम 11:30 बजे 11:15 बजे गोविंद देव जी के मंदिर में रखा गया। दे साधे हैं जयपुर के, जयपुर और जो राजस्थान है ये जाना ही हमारी वीरता के लिए और हमारी सादगी के लिए, हमारे पुरुषार्थ के लिए जाना जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस समारोह में सब लोग जुटें, सब लोग आएँ और देखें कि हमारा जयपुर क्या है, हमारे जयपुर की क्या छवि थी, क्या हमारी संस्कृति है। तो इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मुझे लगता है कि इसमें आप सभी को जुड़ना चाहिए, जयपुर की पूरी जनता को जुड़ना चाहिए। जो भी प्रोग्राम होंगे डेट वाइज सभी न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में हम प्रकाशित करेंगे, उसी के साथ कार्ड्स और पासेज भी बनेंगे जो आप जयपुर की जनता को, आप सभी को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मुझे लगता है ये एक महीना है हमारे जयपुर से जुड़ने का, हमारे जयपुर को जानने का, और आप तो सभी लोग जयपुर के हैं, जयपुर के नागरिक जयपुर को समझे जाने और हमारा जयपुर क्या था और हमें जयपुर को कैसा बनाना है उस पर विचार करें। इसी के लिए ये जयपुर समारोह रखा गया है। एक महीने पूरा, एक महीना धूमधाम से जयपुर का जन्मदिन मनाया जाएगा, इसी के लिए आप सभी को बुलाया था। और पैसे गड्ढे में चल रहा है तो ये पैसे कैसे मैनेज किए जाएंगे? देखिए जयपुर, बिल्कुल मैं बता रही हूँ, जयपुर जो है हमारी एक कल्चर सिटी है, हमारी सांस्कृतिक कला और छवि के लिए जाने जाने वाली सिटी है। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो जयपुर के कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने हमसे संपर्क किया था लगभग 15-20 दिन पहले, और उन्होंने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि जयपुर समारोह धूमधाम से मनाया जाए, उसी के तहत ये प्रोग्राम वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं और हम लोग इसको निगम के साथ वो लोग इसको मना रहे हैं, हम लोग मना रहे हैं। और दूसरे आपने तो 18 से 18 देखिए दीपावली तो वैसे ही बहुत बड़ा पर्व है। जयपुर समारोह 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलने वाला है। इसमें बहुत सारे आयोजन हमने इसमें लिखे हैं, लेकिन जो भी आर्टिस्ट आ रहे होंगे उनकी जैसे जैसे कंफर्मेशन आती जाएगी हम आपको बता देंगे, लेकिन आप इतना ज़रूर माने कि जयपुर के लिए एक भव्य आयोजन ये होने वाला है। और जयपुर के सभी जो राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़े हुए कलाकार हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कितना बजट हम इस पर खर्च करेंगे और ये किस तरह से होगा, क्या टेंडर होंगे, किस तरह पूरा प्रारूप रहने? देखिए जयपुर समारोह के लिए जो है बहुत सारे स्पॉन्सर्स ने हमसे संपर्क किया है। मुझे लगता है कि नगर निगम का इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। इसमें जो भी जयपुर के जुड़े हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को लोग जाने पहचाने, उन्होंने हमसे संपर्क किया है और वो जयपुर समारोह में नगर निगम का सहयोग कर रहे हैं। कर हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम पूरे प्रयास कर रही है। हम रात को 2-2 बजे तक रोड पर घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि राइजिंग राजस्थान से पहले हम लोग बहुत स्थितियां कंट्रोल कर लेंगे। हम गड्ढे जो सड़कों पे हो रहे हैं उनको भी हमने टारगेट लिया है कि हम 20 से 25 तारीख तक उन पूरे गड्ढों को भर दें। जयपुर मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है इसे स्वच्छ रखना। सिर्फ आप सोचें कि कुछ 5-7 हज़ार कर्मचारियों से जयपुर साफ होगा, ये गलत है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैं जयपुर की जनता से भी निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ स्वच्छता में हमारा सहयोग करें, तभी हमारा जयपुर सुंदर और स्वच्छ बन पाएगा। हमारी पूरी टीम तन मन से लगी हुई है कि जयपुर को हम जल्द ही बिल्कुल साफ सुथरा शहर बनाएं। मैडम आपका पूरा शेड्यूल 1 महीने का तब कहां पर क्या होगा वो? जी हम आपको जल्दी ही पूरा शेड्यूल बिल्कुल कल आपको आपके न्यूज़पेपर में आज लिखेंगे तो कल आएगी। देखिए उनसे हमारी चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन हमारा हुआ नहीं है, तो लेकिन होगा तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे। 18 अक्टूबर से 18 नवंबर जी उनसे बात हुई है, लेकिन वो थोड़े से व्यस्त हैं, तो शायद हम लोग जल्दी उनसे कोऑर्डिनेशन करके जो भी आगे का प्रोग्राम होगा आपको बता देंगे। देखिए जयपुर स्थापना दिवस का ये समारोह हम कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं, और इस बार जयपुर स्थापना को 297 वर्ष हो चुके हैं जब जयपुर की स्थापना हुई थी, और उसी के साथ एक महीने का हमारा कार्यक्रम हमेशा चलता है जयपुर समारोह।
जो 18 अक्टूबर से शुरू होकर 18 नवंबर तक चलता है। 18 नवंबर को हमारे जयपुर स्थापना के जो दिवस है वो मनाया जाता है, और उस दिन बड़ा प्रोग्राम करके और लड्डू का केक काटकर हम इसका समापन करते हैं। आप सभी को आज यही जानकारी देने के लिए बुलाया है क्योंकि ये जयपुर से जुड़ा समारोह है और जयपुर की जनता इससे जुड़े, जयपुर के नागरिक इससे जुड़े, जयपुर के हर एक व्यक्ति को लगना चाहिए कि हमारे जयपुर का ये जन्मदिन मनाया जा रहा है जो एक महीने धूमधाम से मनाया जाएगा। जयपुर समारोह की शुरुआत विधिवत तरीके से गणेश मंदिर मोती डूंगरी से की जाएगी। वहाँ पर गणेश जी महाराज को निमंत्रण दिया जाएगा प्रथम पूज्य को। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारा प्रथम गेट है, जिसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी, जिसकी नींव सबसे पहले जयपुर की स्थापना में रखी गई थी गंगापोल गेट से, विधिवत पूजन किया जाएगा। उसके बाद हमारे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर में कथक का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद शाम को 18 तारीख को ही, 18 अक्टूबर को हेरिटेज वॉक का भी एक कार्यक्रम रखा गया है, जो चांदपुल हनुमान जी के मंदिर से शुरू होकर हमारे हवा महल तक वो वॉक चलेगी, जिसमें आपको हेरिटेज की सभी झांकियां देखने को मिलेगी, विंटेज कारें और राजस्थानी परिवेश में सभी जो हमारे जयपुर की जनता है, हमारे निगम के पदाधिकारी हैं, हमारे पार्षद हैं, आप सभी लोग राजस्थानी परिवेश में उसमें भाग लें और जयपुर की एक मैसेज दें, जयपुर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, और जयपुर कितना सुंदर है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो हम राजस्थानी परिवेश में एक बार निकलेंगे और एक बड़ा आगाज़ हम जयपुर समारोह का करेंगे। जयपुर समारोह में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, जिसमें राजस्थानी, देखिए हमारे यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको सबसे अधिक मौका दिया जाएगा। जो हमारे यहाँ के कलाकार सालों से सोचते हैं कि हमें भी कहीं प्लेटफॉर्म मिले हमारे जयपुर में, तो उनका सबसे पहले मैं उनको भी आमंत्रित करती हूँ कि उनको कहीं भी लगता है तो वो अपनी प्रस्तुति ज़रूर दें। जयपुर समारोह में राजस्थानी कार्यक्रम के साथ बॉलीवुड नाइट भी होगी, मुशायरा कवाली का कार्यक्रम भी रखा जाएगा, इसी के साथ कई रंगारंग कार्यक्रम रखे जाएंगे, बॉक्स क्रिकेट का आयोजन भी रखा है, जिसमें सभी अधिकारी और पार्षद और मीडिया के बंधु और जयपुर के जनता के जो लोग चाहते हैं कि हमें क्रिकेट में भाग लेना है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जयपुर समारोह एक हमारे जयपुर का बहुत बड़ा आयोजन रहता है, जिसमें हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि हम, हमारा जयपुर क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे लोग, क्योंकि हमारे लोग बड़े सीधे